have you received it? Yeah, I know. Was a rocking start to the evening. The performer was Mr. Ashwini Kumardi of 2K13 batch. कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी? कैसे किसके आने की खबर लेकर ये जिमखाना की हवाएं आई हैं? रूह खिलने लगी और सांसों में महक जाग उठी। वाह 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 वाह, जब तुमने इस शायरी से सबका स्वागत किया है तो मैं भी अपने स्टीम्ड ऑडियंस के लिए दो लाइनें पेश करना चाहता हूँ। इरशाद, सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न होगी, सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न होगी, सिर्फ आपके आने से ही इस महफिल की रौनक है। With these words, I, Ikansh Rangwar, and I, Abhishek Ranjan, welcome you all to this blend of passion and excitement, where feelings are nourished and nostalgia takes the front seat. Club Day 2019, the annual congregation of our SAM community. Today is Valentine's Day, the day of love. Yeah, can you define love? Yeah, I think love is like a journey, starting at forever, ending at never. That's very true, my friend. Then how about if we start today's journey with something having a romantic feel? Arey, what an idea, Sarji. So now hold your breath for the first performance of the evening. Yes, Ikansh is going to draw the strings of our hearts and add his soothing voice to cherish our souls by chanting a beautiful song, Let Her Go by Passenger. Please put your hands together to welcome our first performer to sing the song. And you let her go.
dream last, for dreams come slow and it goes so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Aditya Tripathi and yours truly on guitar. Adi, ye kaanch kahan reh gaya? Haan baby, aa raha hu main, aa jaunga, tum pareshan mat ho. Ekansh, you are on stage. You know that? Hold on. Haan, thank God. Ye kya hai? Tu to yahi hai, par tera remote control kahin aur hi hai. Abe yaar, ab tu bhi mat shuru ho ja, main waise hi bahut pareshan hu. समझ गया, जरूर किसी लड़की का मामला है, I'm damn sure. अबे यार, आजकल तो ऐसा लगता है, दिल लगी छोड़कर दोस्ताना निभाने में ही समझदारी है. कोई नहीं यार, वैसे भी behind every successful man there is a woman. भाई पर behind every unsuccessful man also there is a woman. और ये कौन बताएगा कि unsuccessful लोगों की तादाद ज्यादा है? वैसे भी I am a master of my own. मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ. हाँ बेबी, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ. ये देखिए, ये है मास्टर ऑफ हिज ओन. ये तो चला गया. खैर, मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शख्स के पास हु इज मास्टर ऑफ हिज ओन वॉइस एंड यू कैन नॉट रेजिस्ट सिंगिंग एज हिज वॉइस विल रीच डायरेक्टली टू योर हार्ट. हेलो. रज के हंसाया मैंने दिल को ये
इश्क कमाया मांगा जो उसने एक सितारा हमने समी पे चांद बुलाया जो आंखों से वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए लापता हो गए देखते देखते सोचता के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता Aditya Tripathi 2015 batch on vocals, Hirak Jyoti Sen on synthesizer, Gopal Rai on tabla, and Abhishek Ranjan 2015 on guitar. आप सभी ने legendary movie शोले तो देखी ही होगी और ये भी पता होगा कि आखिर में क्या होता है पर यहाँ वैसा कुछ नहीं होने वाला है जरा सोचिए कि अगर ठाकुर के हाथ वापस आ जाएं तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा
और क्या क्या घटनाएं होंगी। तो इसी को दिखाने जा रहा है हमारा बैच एक नाटक के रूप में। तो आइए देखते हैं मॉडर्न शोले विद अ ट्विस्ट। पहला दृश्य, ठाकुर का पुराना वफादार नौकर उससे परेशान होकर नौकरी छोड़कर जा चुका है। इसी बात से ठाकुर बहुत परेशान है और एक नए नौकर की तलाश में है। जब से गब्बर ने मेरे हाथ काटे हैं, मुझे काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह अखबार उठाने में बहुत तकलीफ होती है। वैसे मेरा नौकर सारे काम कर दिया करता था, लेकिन जब से लूज मोशन हुई वो भी बेचारा डिप्रेस रहने लगा। वैसे मैंने कुछ नौकर बुलाए हैं, आते ही होंगे। हेलो, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। सबको मालूम है कि मेरे हाथ गब्बर ले गया। अरे, हाथ मांगने की कथा तो सुनी थी, पर काट कर ले जाना तो पहली बार देखा। वैसे ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने अपने हाथ गब्बर के कंधे पे रखा और बोला, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। ये बोलने की क्या जरूरत थी, काट के ले गया ना दोनों फंदे। वैसे तुमने रोका क्यों नहीं? रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ ले गया, और रोकता तो पता नहीं क्या क्या करता। अच्छा हुआ तुम्हारे पैर नहीं ले गया, वरना बिना हाथ पैर के तुम बीन बैग लगते। कौन है बे तू? अरे, तुमने तो इश्तिहार दिया था कि नौकर की जरूरत है। अच्छा ठीक है, पैसे कितने लोगे? एक चुनो। 20,000 लूंगा मालिक। अगर दूसरा चुनता तो? वो 40,000 वाली थी। ये क्या इतनी महंगाई? हमारे जमाने में 10 रुपए में मैं सारा घर का सामान ले आया करता था। वो जमाने गए मालिक, अब 10 रुपए में नहीं आता, अब हर जगह सीसीटीवी लगे हैं। पैसे चाहे जितने ले लो, लेकिन तुम्हें छुट्टी एक भी दिन नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मैं हफ्ते में 2 बार छुट्टी लेता हूँ, 3-3 दिन की, और संडे को अलग से लूंगा। ये तो पूरे हफ्ते की छुट्टी हो गई, तुम काम कब करोगे? अरे अगले हफ्ते करूंगा, तुम्हारे कैलेंडर में एक ही हफ्ता आता है क्या? और ये बात बात पे गुजराती क्यों रहता है? ठाकुर है ये जन्म शपथ। वैसे तुम बना क्या क्या लेते हो? अरे कुछ भी बनवा लो, पर नाश्ते में 2 चीजें बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। क्या? एक लंच और एक डिनर। नौकर ठीक है, मैं छुट्टी तो नहीं दूंगा, चलो तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। ठीक है मालिक, चलो। अगला दृश्य, ये तो थी ठाकुर की कहानी। अब चलिए देखते हैं कि गब्बर के घर में क्या चल रहा है। गब्बर बुढ़ा हो चुका है और उसकी अपने ही गिरोह में नहीं चल रही। अरे भाई साहब, क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अरे बुलाई लिया तो पूछ क्या हुआ। अरे बस इतना पूछना था, इतने आदमी थे। अरे सरदार, आदमी तो एक ही था, अब क्या बताऊं क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ? देखिए, अरे किसान बोरी में क्या है? गेहूं। गेहूं सरदार, गेहूं। अरे ये तो हम भी हैं। ये हुआ था सरदार। जी जी, न्यूज कैरेक्टर मूड खराब कर दिया। गालिया, ओ गालिया। गब्बर, अभी मैं तुम्हारी भाभी बसंती से फोन पे बात कर रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। बसंती कहाँ रहती है आजकल? हलवाई के घर के सामने। हलवाई?
वो कहाँ रहता है? बसंती के घर के सामने। ए भगवान, ये दोनों भी तो कहीं रहते होंगे। हाँ, एक दूसरे के घर के आमने सामने। सांबरा गंदे, तू गंदा। ए भगवान, तलवार ये लो। जब से इन बूढ़ी हड्डियों में दर्द शुरू हुआ है कोई मेरी नहीं सुनता। आओ तो कैल्शियम सेंडोज मंगवा दूं। कब्बर, कैल्शियम सेंडोज तेरे हाथ ना ले लूं मैं। हाथ मत दे, गालियां हाथ मत काटो। कब्बर बाया हाथ दे दे। हाथ मत काटो कब्बर, हाथ मुझे दे दे। ठाकुर इसके हाथ ठाकुर के घर के सामने फिंकवा देना। हाँ हाँ फिंकवा दूंगा। सुना है पास के गांव में बाबा श्यामदेव का शिविर लगा है, लगता है हम इन बूढ़ी हड्डियों का दर्द वहीं जाकर ठीक होगा। चलते हैं। अगला दृश्य योग शिविर बाबा श्यामदेव का। बाबा ने कुछ समय पहले ही अनशन किया था और आप सभी जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। करने खाने से होता है बेटा, खाने से होता है। अरे ये क्या बाबा, आप तो कहा करते थे कि करने से होता है। अरे बेटा अभी तू नादान है, जब से पुलिस को बाबा को प्यार आया है। अरे भाई प्यार ही आया हुआ इसलिए भूखा नहीं देख पाई। जब से पुलिस को बाबा प्यार है बाबा ने कहनी छोड़ दी करने से होता है। तुम भी खाते रहो। आप में से किसी को कोई दुख तकलीफ है तो बताइए। अरे बाबा आप तो क्या करते थे, हाथ ऐसे ऐसे करने से बाल आ जाते हैं। देखो बेटा बाबा भी करता रहता है। बसंती के तो मूछे आ गए बाबा। कैसे किया था बेटा बसंती ने? ऐसे बाबा बसंती ने ऐसे ऐसे किया था। देखिए यही गलती करते हैं आप। बाबा ने कहा था ऐसे ऐसे करने से बाल आते हैं। अरे अब मुंह के सामने रखे करो मूछड़ी तो और क्या आएगा। अरे बाबा बसंती तो बसंता बन गई, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बेटा एक अच्छी सी लड़की देखो, शादी कर दो उसकी। ये सब लोग तो आते रहेंगे। चलिए मैं मिलाता हूँ आपको अपने एक शिष्य से जिसे कुछ परेशानी थी। बोलो बेटा। हाँ बाबा मेरे बेटे को हाथ के नाखून चबाने की आदत है। बेटा क्या किया बाबा ने, क्या किया वो बताओ। बाबा उसे हाथ के साथ पैरों के नाखून भी चबाने की आदत लग गई। बोलता हूँ ना मैं करने से नहीं खाने से होता है, खाने से होता है। और बाबा ने अनशन के बारे में कुछ बताइए। अनशन ऐसा अनशन बाबा ने कोई अनशन नहीं किया। अरे बाबा डरिए मत, यहाँ पुलिस हमसे भी डरती है। अरे ठीक है बेटा। अरे क्या बताऊँ बेचारा बाबा सुबह से भूखा प्यासा अनशन पर बैठा था, क्या आसन कर रहा है। अरे कमजोरी के मारे बाबा के ऐसे ऐसे और बाहर बाबा को ही नहीं पर बाबा अनशन से भागे क्यों? बेटा भागे नहीं, वो मेरी ट्रेन थी हरिद्वार की, इसलिए उठ के जाना पड़ा। पर बाबा मीडिया वाले तो कुछ और ही दिखा रहे थे। बेटा मीडिया वाले तो कुछ भी दिखाते रहते हैं, परसों हिम्मत वाले दिखा रहे थे। पर बाबा कुछ भी कहो आपने अनशन में बहादुरी तो बहुत दिखाई। अरे बेटा यही तो गलती हो गई, बाबा ने बहादुरी दिखा दी। अरे भागते भागते पुलिस ने बाबा की बहादुरी में इतने डंडे मारे बेचारा बाबा दो दिन से बैठ नहीं पा रहा। अरे कॉन्स्टिपेशन की मरीज किसने उसमें लिया है बाबा? मेरी तकलीफ कुछ और है बाबा। क्या तकलीफ है बेटा? अरे बाबा ये रुकिए, जाते जाते अपने योग के एक दो फायदे तो बताते जाइए। योग के इसके तो बेटा अनगिनत फायदे हैं। इससे आपको जानलेवा बीमारी जैसे सर्दी खांसी, इससे आपको निजात मिलता है। सर्दी खांसी जानलेवा बीमारी कब से? अरे बेटा कभी किसी के मुंह पे खासा है? नहीं। खास के तो उसने मुक्का मार के तेरी जान ना ले तो बाबा 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 जी की जय। बाबा जी की जय। अगला दृश्य, सांबा कालिया के हाथ ठाकुर के घर के आगे फिंकवा देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। इंतजाम करो, मुझे अपने हाथ लगवाने हैं। उसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है मालिक?
आई एम पार्ट टाइम प्लम्बर, लीक करते हुए नलों को फिट करना मुझे अच्छे से आता है। वैसे तुम्हें हाथ लगवाने कहाँ है? लगवाने कहाँ का क्या मतलब, जहाँ होता है वही लगेगा। वही मुंह चेंजिंग सब चल, जितना बोला उतना कर। मालिक कील से ठोकू या अपनी कॉल से चिपका, मजबूती किससे ज्यादा होती? कील से मजबूत जोड़ बनेगी मालिक। यही सही है, यही कॉल से चिपका दो। ठीक है मालिक, चलो। अगला दृश्य, संधि सुधा तेल लगाकर गब्बर पहुंचा ठाकुर के घर, और वहीं ठाकुर ने कालिया के कटे हुए हाथ जुड़वा लिए। अब देखते हैं क्या होता है। ठाकुर, ओ ठाकुर, एक मिनट। अरे ठाकुर, तेरे हाथ कहाँ से आ गए? तूने ही तो फिकवाया था, पूछ आगे क्या हुआ। वो कालिया के हाथ। हाँ, क्या हुआ आगे? तेरे हाथों को कंधे से यार चिपका लिया फेविकॉल से। हर्ट टू शेक ऑफ माय लाइफ गब्बर। तेरे हाथ तेरे नहीं है ठाकुर, तेरे हैं। मेरे हैं। ले लूँगा। तू लेगा मेरी जान? हाँ। नौकर everyone had a good laugh. The performers were Aditya Tripathi, Abhishek Ranjan, Anuj Rathor, Dhanraj Kumar, Ikash Ganga and Sujit Kumar Gupta, all of 2015 batch. Ye degree bhi le lo, ye naukri bhi le lo, chahe chheen lo sara stipend, iska mera nahi. Are, achanak aisi baatein kyun kar raha hai? अरे यार, यहाँ के बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बात तो सही है तेरी, कॉलेज के दिन की बात ही अलग होती है, और इन सब मामलों में जिमखाना की तो बात ही निराली है। वो पानी जैसी चाय, वो फ्रेंच टोस्ट, वो नाइटमेस की मैगी, वो वर्कशॉप में चार बार कार्ड करना, वो सीनियर्स की अटेंडेंस बनाना, वो कॉलेज, वो बातें, वो शरारतें, वो जवानी, काश हम दोहरा सकते वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सो टेकिंग यू बैक टू दोस नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, our batch is going to present them with a musical journey to make you all feel nostalgic. Thank you.
खा, बर्गर खा और खा ले फ्रैंकी। डिनर के बाद तुम लोगों की जीसे का अपॉइंटमेंट होगी। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, ओ नाम अब्दुल है मेरा रखता हूँ। दिन कैसा भी हो, हमें रोज शाम को स्पोर्ट्स के लिए फील्ड पे असेंबल होना पड़ता था। अबे ओए, चलो सब, आज तुम्हारी ईटी अपॉइंटमेंट है। ओए हमड़ झुंड मस्त होगा झुंड, ओए हमड़ झुंड मस्त होगा झुंड, ओए हमड़ झुंड मस्त होगा झुंड। सुनसान रात में वो ऐसी रात ना दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोल क्या करेंगे। चलो बैच सी, आज के पंगे गिनवाओ। आज मैं इरमी लेट पहुंचा, आज मैं स्पोर्ट्स फील्ड 5 मिनट लेट पहुंचा। दो पंगे, इसलिए पूरा बैच 2000 बार असाइनमेंट लिखने लाएगा। I will always be on time। हम स्टार्ट होते रहे, हेल्थ बनता गया और हम स्मार्ट बनते गए। देश के अलग अलग कोने से आए बैचमेट्स अब बस बैचमेट्स ही नहीं पर भाई बन गए थे। हम लोग साथ ही उठते बैठते थे, खेलते थे और पेल मचाते थे, और हमने साथ में ही लिया क्लब एंट्री। दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। खत्म हो गया क्या? ओ लाओ खत्म हो गया क्या? ओ लाओ खत्म हो गया क्या? अब जानते हैं क्या याद आता है पहला क्लब पे? कम समय में कैसे ज्यादा काम करना, सैम्स का मनोरंजन कर उनसे किससे सुनना, नहीं पता कहां से जिम खानाइट्स में
जो अब तक सिर्फ खेल कूद में मग्न थे, कला का जन्म हो पड़ता है। सब गिटार, पियानो, डांस, स्किट में हमारे कल्चरल सेक्रेटरी के साथ जुट पड़ते हैं। जिमखा नाइट्स क्लब डे के लिए दिन रात एक कर देते हैं। क्लब डे बस खत्म ही हुआ था कि ना जाने कहां से एग्जाम्स आ गए। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मारता मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मारता मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार खिस खिस के भेजा चलने दे यार। एग्जाम से एक रात पहले की आए थे। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। हरे हरे पेड़ पे लाला जीवा ऐसे ही देखते देखते एक साल निकल गया और हमें फाइनली मिली लिबर्टीज। जब एक साल पूरा हुआ तब हम सब भी थोड़ा थोड़ा आलसी हो गए थे। रात जागकर बिलियर्ड्स की प्रैक्टिस के साथ नाइटमेस में गरम गरम चाय खुद बनाकर पीना और पिलाना अब हमारा रोज रोज का काम बन गया था। मगर कभी ये नहीं सोचा था कि हम कभी सुबह ऐसे भी जागेंगे। सो गया ये जहां सो गया आसमां सो गई है सारी मंजिलें वो सारी मंजिल। फर्स्ट ईयर सबसे लंबा था, बाकी साल तो ऐसे ही निकल गए। और आ गया हमारा टेक टूर और हमने भी बांध लिया अपना बोरिया बिस्तर। घूम के आए जैसे ही हम सबको मिला सबसे बड़ा शॉक, CWM's इंटरव्यू। वैसे क्या होना था ये तो सबको पहले से ही पता था।
हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। और फिर श्रीमान बाहर आइए, बाहर आइए, श्रीमान बाहर आइए, बाहर आइए। I hope the performance brought back all the memories you had at your first day at Jamalpur. Performers were Aditya Tripathi, Abhishek Ranjan, Anuj Rathore, Dhanraj Kumar, Ikansh Gangwar, and Sujit Kumar Gupta, all of 2015 batch. Music says what cannot be expressed, soothes the mind and gives it rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. So here's presenting a rhythm divine, your hearting soul, it surely will entwine. Please hold your breath and open your ears to the Mozart of Gymkhana. The stage is his. Presenting before you a melodious song, Ranjishe he said. Hello. Yeah.
लिए such a lovely and truly melodious performance. The performers were Krishna Kikkar Singh of SCRTL on 13 batch on vocals, Aditya Tripathi of Kudam 15 batch on guitar, Hirak Jyoti Sen on harmonium and Gopal Rai on tabla. Ab main aap sabhi ke samne ek hasya kavita Arun Jemini ji ki ek hasya kavita prastut karne ja raha hun jiska shirshak hai Radhe Shyam ka interview. राधे श्याम हरियाणा का रहने वाला एक आम इंसान है। पुलिस को रंगरोटो का दस्ता चाहिए था नया, हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, अगर आप सेब खरीदने जाएंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएंगे। ये साधारण सा सवाल था। अब इस साधारण से सवाल को एक हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस वही इस कविता का सौंदर्य है। अगर आप सेब खरीदने जाएंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएंगे। राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं ऐसी तैसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा अगर मैं जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। अजी साहब आप आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी बीवी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। अजी साहब मैं अपनी बीवी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव और उसे 100 ग्राम लेने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए कोई। साहब मेरा भाई तो जब भी बाजार जाता है बस पान लेकर ही आता है। अच्छा बहन जाए कोई। अजी मेरी एक बहन थी उसकी शादी हो गई अब वो जाने बहनों ही। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं। जी उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं, उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं। अच्छा जी एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान। मुझे लगता है आपको सवाल में कोई मजा आ रहा है। राधे श्याम तुम्हारा कोई दोस्त भी तो होगा। हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ जी कोई खिलाए तो खा जाता है। अच्छा चलो कुछ भी हो पर अब आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आगे कुछ भी हो आप अपना जवाब ले लो, सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब वो सेब वाले की मर्जी, वो देते जितने। राधे श्याम तुमने तो जवाब तो दिया, ये बताओ कोई आम आदमी अगर सेब खरीदने जाए तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। सीधी बात, आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। अजी साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं था ये सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन एडम और ईव वो एक सेब ना खाते तो ना मैं यहां आता, ना आप यहां आते, ना मैं राधे श्याम होता, ना आप साहब, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम, राधे श्याम आज भी सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं पर साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। साहब के लिए 100 ग्राम। थैंक यू। एंड नाउ प्रेजेंटिंग बिफोर यू अ मिजिट एक्ट फ्रॉम माय बैचमेट्स 2015 बैच। हियर इज द शो। Thank you.
It has been a very long and hectic journey of 4 years with lots of ups and downs. And we are proud to say that we have been part of every club day of our Gymkhana life actively. It's been very truly said, whatever be your destination, have a happening part to cherish for in future when you finally reach there. And here we are, the members of 2015 batch. We are going to present a group song. Tight schedule, we have to just stop the cultural performance of our side. But as you all know, this extravaganza would be incomplete without little bit of stage presence of highly talented people of the Indian Railways present here. So we now invite Mr. Sankaran Mankutti sir of 1964 batch to present his ghazal. Yeah.
It's actually such a long time since we performed here, and it really gives me great pleasure to be again here doing some kind of, they have been entertaining us so much. So we do owe them something back. And I'll just sing a ghazal which is very, very famous, Jagjit Singh's ghazal. It is In the Dark I Learn It. And all of you, I think, would have heard this one before. लड़खड़ाया सवेरे
सवेरे वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे मैं कटी रात सारी मेरी मैं करे कटी सात सारी मेरी मैं कदे में मेरी मैं कदे में कात सारी कटी रात सारी मेरी मैं कदे में खुदा आज आया सवेरे सवेरे खुदा याद आया सवेरे सवेरे मुझे आसमाया सवेरे सवेरे मुझे आसमाया सवेरे सवेरे कोई पास आया सवेरे सवेरे Thank you, sir. That was really a beautiful performance. Now, I would like to invite Mr. Arun Bhargava, sir, of 1967 batch, to sing his English song. Good evening, everybody. Each one of us, as we grow up, some songs get embedded in our memory, and generally these are songs which we heard or which fascinated us in our teenage. So I'm going to sing to you a song called 500 Miles. Some of you may have heard of it. When I was 16, I heard it for the first time. There have been many versions, but this one is by Peter, Paul and Mary. And I think it's a song which really tells about every railway man because we move quite often from home. If you miss this train I'm on, you will know that I have gone. You can hear the whistle blow. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow. 500 miles. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, I'm three. Lord, I'm four. Lord, I'm 500 miles from my home. Away from home, away from home. Away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Oh, not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go home this away.
Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go home this away. Lord, I can't go home this away. So if you miss this train I'm on, you will know that I have gone. You can hear the whistle blow 500 miles. You can hear the whistle blow 500 miles. Thank you. Thank you, sir, for such a melodious performance. Now, I would like to invite Mrs. S.C. Joshi, wife of Mr. S.C. Joshi of 1969 batch, to present her dance. And this is without petrol in the system. Thank you.
Thank you very much, ma'am, for such an energetic performance. This whole cultural evening was performed by 2015 batch. I will request all my batchmates to come on stage. Now, I would like to request General Secretary Jamalpur Gymkhana to say a few words. To be spiritually conscious, socially responsible and morally upright is the core dimension of Gymkhana. We know that success is not destination, but a journey, believing in the philosophy that victory belongs to the most persevering. While thanking the Almighty for His countless blessings, I, Dhanraj Kumar, General Secretary of Jamalpur Gymkhana, is here to spell out words of thanks to all those who made this evening as well as the whole 2 days a sweet memory to carry home. I would like to thank Honorable Chief Guest of the Function, Sri Pradeep Kumar, Director General, National Academy of Indian Railways, Sri Gajanan Malia Sir, Srimati Jayanti Malia Ma'am of General Manager, South Central Railway, Sri Ravindra Gupta Sir, Srimati Nita Gupta Ma'am, Principal Executive Director, Mechanical Engineering Workshop and Chief Mechanical Engineer, Eastern Railway, Sri Rajnish Arora Sir. Now I would like to thank all the members of Golden Jubilee Batch and also to all the dignitaries, SAMs and SIMIs present. I deem my proud privilege to stand before you to place on record the contribution of every noble heart towards the success of today's event. I must express my deep sense of appreciation to respected Dean and SPWMT IRSME, Sri P.K. Saha Sir and Ma'am, Srimati Reena Saha. Senior Professors of IRSME, Professor WMT, Professor MIS and all other IRSME faculties and staffs. My sincere thanks to all the secretaries of Gymkhana that in SCRA 2015 batch, SCRA 2013 batch, IRSME professionals, Gymkhana staffs and contract laborers who added color and festivity to this evening. Now, I would like to request General Secretary Jamalpur Gymkhana to present mementos to our esteemed Chief Guest. First, Shri Pradeep Kumar, Director General, National Academy of Indian Railways. It is my immense pleasure to announce that Shri Pradeep Kumar DG Nair has announced the following awards. Rs. 25,000 for each of the two groups of SCAs who demonstrated the project for their final year. Rs. 1 lakh award for the overall organization of the annual day function, including the cultural function organized by the SCAs. Now, I would like to invite our Chief Guest, Sri Pradeep Kumar, Director General, National Academy of Indian Railways, to grace us with his words of wisdom. Sri Malia, General Manager, South Central Railway, Madam Malia, Mr. Saha, Dean and Director IRSME, Madam Saha, my Sri Ravin Gupta ji, PD Railway Board and Madam, the distinguished guests, the officers,
the faculty of IRSME, the SCA batch professionals, ladies and gentlemen. It was really a very mesmerizing day, very, very nice day, and very, very, very wonderful cultural evening. The entire day was so nice. In fact, I have come here for the first time, and it was such a beautiful institute and lovely program right from morning. And meeting, in fact, I was not knowing that this is going to be such a good meeting and good gathering. So, in fact, I was planning earlier that my wife was also planning that she will come, but then there was some such thing, some engagement that she could not come. अगर वो आती आ तो लगता उनको भी बहुत ही अच्छा लगता सब लोग साथ में यहाँ पे. So really I would cherish the time today which I have spent, and I am really thankful that I could come here. This Mr. Sen साहब ने आज कुछ बातें बताई हैं काफ़ी, तो आई विल जस्ट आई हैव टेकन ए नोट ऑफ दिस एंड आई विल सी वेदर एज एज डायरेक्टर एज ए डी जी नायर इफ आई कुड वर्क ऑन दैट. सो वंस अगेन आई थैंक एंड आई माई गुड विशेस to the SCA and the nine professionals who have completed their preparation period. So thank you and God bless you. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request General Secretary Jamalpur Gymkhana to present mementos to Shri Gajanan Malia, General Manager, South Central Railway. Shrimati Jayanti Malia, wife of Mr. Gajanan Malia. Principal Executive Director, Mechanical Engineering Workshop, Shri Ravindra Gupta. Mr. Ravindra Gupta wants to say a few words. Respected Mr. Pradeep Kumar, Mr. Gajanan Malia, gracious ladies and gentlemen, today's evening was, you know, it was unique. I remembered, I think this story was of Maharaja Ranjit Singh, where he presented his army. Same set of people came on horses, they came as cavalry, and then they came on as infantry, then they carried two, three topkhanas and kept coming and coming and coming, and I think one of the invaders was watching them and he felt afraid. He said, how can I attack this this state? It has such a huge army. So today we saw Maharaja Ranjit Singh's army. Same six people, my goodness, it was absolutely mind-blowing. I'm here on behalf of MRS, representing board. So he has extended a small token of his affection and his appreciation of what has been going on since morning. He has announced an award of 50,000 rupees for MB for today.
There's an award of 25,000 rupees for this lovely evening. It's one of the most wonderful days we have had. Today, we wondered what cultural program will be. Oh, it's mind-blowing. Thank you all very much. Thank you, sir. I would request General Secretary Jamalpur Gymkhana to present memento to Mrs. Neeta Gupta, wife of Mr. Ravindra Gupta. Mr. Rajneesh Arora, CME, Eastern Railway. That's all from our side. We hope you enjoyed the club day as well as the cultural evening. Now I would request all the guests to move to Officers Club for dinner. Hip hip! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Three cheers for Gymkhana! Hip hip! Hooray!